राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती संस्था के माध्यम से जैन मित्र के शैलेन जैन मुंबई वालों के द्वारा बुधवार के दिन सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय बागली परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बागली के जनजाति क्षेत्र में संचालित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक के 2800 से अधिक छात्र छात्राओं द्वारा जैन संस्था के द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। हम आपको बता दें कि पहली बार बागली के जनजाति क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर इतने बड़े पैमाने पर निःशुल्क छात्राओं को स्वेटर का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, जनजाति विकास मंच और सीएम राइज स्कूल बागली के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कर स्वेटरों का वितरण किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष का भी और उनके साथ आए हुए सभी सम्माननीय मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। स्वयंसेवक संघ की संस्था सेवा भारती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब निर्धन लोग हैं, वनवासी, उनकी सेवा करती है। उसी तारतम्य में आज जैन मित्र संस्था बॉम्बे के द्वारा सहयोग प्राप्त करके सेवा भारती बाग जिला कन्नौद के अंतर्गत बागली में आज लगभग 2500 बच्चों को निःशुल्क वितरण स्वेटर किया जा रहा है। और सबसे सुखद बात यह कि सभी जो स्कूल हैं वो शासकीय स्कूल और 6 से 10 क्लास तक के पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम आज था तो उन्हें किया जा रहा है। और आगे भी कहाँ का वितरण किया जाएगा? इसके पश्चात कल पूंजापुरा और रातातलाई, परसों जो है 18 तारीख को अपना पीपरी और पांडुतलाव में, और अंतिम कार्यक्रम इस जो जिले में है वो 19 तारीख को उदयनगर में रहेगा। वहाँ पर भी इस प्रकार के स्वेटर वितरण कार्यक्रम है और कुल मिला के लगभग 17 लाख रुपये के स्वेटर का निःशुल्क वितरण होने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।